नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। कर्नाटक में भाजपा ने अपना चुनावी बिगुल ठोक दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं। कर्नाटक के धारवाड़ में गृह मंत्री शाह ने जनसभा को संबोधित किया। शाह 2 दिनों में 6 रैली और 2 रोड शो में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में कहा कि चुनाव पूरे कर्नाटक का भविष्य तय करेगा। आपका वोट तय करेगा कि कर्नाटक का भविष्य कौन संभालेगा। कर्नाटक में गरीबों, आदिवासियों और किसानों के भविष्य का फैसला होगा। एक ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। कर्नाटक को डबल इंजन की सरकार आगे ले जाएगी, ना कि रिवर्स गियर वाली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के शीर्ष पहलवानों की भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कथित यौन दुराचार के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आज ही FIR दर्ज की जाएगी। चीफ जस्टिस ने पुलिस को महिला पहलवानों को सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया। पहलवान पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में अपना विरोध कर रहे हैं। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने के उनके अनुरोध पर तत्काल सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान मौत मामले में फैसला आ गया है। मुंबई की स्पेशल CBI कोर्ट ने यह फैसला दिया है। जिया 3 जून 2013 को मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। उनकी मौत ने इंडस्ट्री को शॉक कर दिया था। जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली को CBI कोर्ट ने बरी कर दिया है। एक्टर पर जिया को खुदकुशी के नुकसाने का आरोप था। जिया की मां ने बेटी की मौत का जिम्मेदार सूरज पंचोली को ठहराया था। एक्टर सूरज पंचोली कोर्ट पहुंचे। सूरज को कोर्ट पहुंचते ही पेपराजी ने घेर लिया। यहां उन्होंने पेपराजी से कोई बात नहीं की। सूरज की मां जरीना वहाब भी बेटे के सपोर्ट में कोर्ट पहुंची थी। जिया खान की मां राबिया खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में फैसला आया, लेकिन सवाल अब भी है कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई। मैंने शुरू से ही कहा है कि हत्या का मामला है, मैं हाईकोर्ट जाऊंगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद उसके भाई अशरफ हत्याकांड की जांच को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कई सवालों पर जवाब मांगे हैं। अब 3 हफ्ते के बाद फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने राज्य पुलिस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतागी से पूछताछ की। अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए जाते समय परेड क्यों कराई गई थी। अदालत ने यह भी पूछा कि आरोपियों को कैसे पता चला कि अतीक और अशरफ को उस दिन प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडल अस्पताल लाया जाएगा। उमेश पर हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का पुलिस का मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने हिरासत में लिए गए माफिया अतीक के गुर्गे आतिन जरफ की निशानदेही पर मोबाइल बरामद किया है। माना जा रहा है कि असद का मोबाइल फोन मिलने से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए कई अहम सबूत मिल सकते हैं। वहीं आतिन जफर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उमेश पाल की हत्या के बाद उसे असद ने फोन किया था, उसने अपना फोन छिपाने की बात कही थी। पुलिस पूछताछ में अतीन जफर ने बताया है कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने उसे किसी अज्ञात नंबर से फोन किया और उसने कहा था कि वो उसका मोबाइल छिपा दे। आतीन के बयान के मुताबिक पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि असद ने आखिर में किसके नंबर से फोन किया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से आज पूछताछ हुई। CBI की टीम पूछताछ के लिए उनके आवास पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक 300 करोड़ रुपए की रिश्वत के कथित रिलायंस जनरल इंश्योरेंस घोटाला मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से CBI पूछताछ कर रही है। जो ये भी जान लें कि इस मामले में CBI ने 1 साल पहले भी मामला दर्ज किया था। CBI ने पहले से 6 राज्यों में इसी मामले को लेकर छापेमारी की। अब आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पूछताछ करने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट से हार्दिक पटेल को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता हार्दिक पटेल को 2015 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज दंगा, हिंसा और आगजनी के मामले में नियमित जमानत दे दी। हार्दिक पटेल को पहले से ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली हुई है। पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार आंदोलन के दौरान गुजरात में हिंसा आगजनी हुई। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप पर NSA लगाया गया, क्योंकि कश्यप ने झूठी खबरों के साथ वीडियो बनाए और उन्हें सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए वास्तविकता के रूप में इस्तेमाल किया। कश्यप ने वीडियो से छेड़छाड़ की है और उन्हें उस पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किया कि प्रवासियों को राज्य में पीटा जाता है। कश्यप ने घृणा को बढ़ावा देने के स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ तमिलनाडु का दौरा करने पर केवल वैमनस्य फैलाने के लिए प्रवासियों के साथ बयानबाजी की। राज्य का कहना है कि NSA चार्ज और FIR को रद्द नहीं किया जा सकता। जेडीयू के प्रवक्ता रहे अजय आलोक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अजय आलोक को बीजेपी में शामिल कराया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अजय आलोक जेडीयू के प्रवक्ता रहे हैं। आलोक जी का बहुत प्रखर विश्लेषण होता है। अजय आलोक का पार्टी में स्वागत करते हैं। जो विकास को जीवन की अपनी यात्रा माने, ऐसी सभी का पार्टी में स्वागत करते हैं। श्रावस्ती के अकबरपुर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे युवक को बाइक सवारों ने निशाना बनाते हुए गोली से फायर कर दिया। फायरिंग के बाद सवार मौके से
भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एसपी प्राची सिंह ने बाइक सवारों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की हैं। खबर गाजीपुर से, जहां माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर हत्या के प्रयास के मामले में शासकीय अधिवक्ता ने लिखित बहस कोर्ट में दाखिल की है। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे दो मामलों में शासकीय अधिवक्ता ने लिखित बहस दाखिल की। मामले में कोर्ट ने 6 मई को अगली तिथि निर्धारित की है। हरदोई के कछौरा कोतवाली इलाके में एंटी करप्शन की टीम ने एक पंचायत मित्र को प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरी किश्त दिलाने के नाम पर 20,000 की मांग पर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम ने कछौरा में मुकदमा पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। एटा जिले के जसरथरपुर थाना क्षेत्र के खुजरियाना गांव में खेत में बनी झोपड़ी में भीषण आग लगने से 12 साल के किशोर चंदन की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव के बाहर एक खेत में झोपड़ी बनी हुई थी। दोपहर के वक्त किशोर चंदन अपने एक साथी के साथ मिलकर झोपड़ी में खेलने के लिए घुस गया। ग्रामीणों ने बताया कि झोपड़ी में बीड़ी माचिस रखी थी। खेल खेल में बच्चों ने बीड़ी जलाई, जिसकी वजह से झोपड़ी में आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया। झोपड़ी बाहर से बंद थी, जिसकी वजह से बच्चा तो बाहर निकल गया, वहीं चंदन आग के बीच घिर गया। आग इतनी भीषण थी कि कुछ समय में ही किशोर की जलकर मौत हो गई। करीब 1 घंटे बाद ग्रामीणों और परिजनों की सूचना मिल पाई, तब तक झोपड़ी जलकर राख हो चुकी थी। किशोर की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीलीभीत में भाजपा के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने नगर निकाय चुनाव को लेकर पीलीभीत की नौगवां पकड़िया में भाजपा चेयरमैन प्रत्याशी संदीप कौर के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही संदीप कौर पत्नी संतोख सिंह सिंधु को भारी मतों से जीत हासिल कराने की अपील की है। पीलीभीत में कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां चेयरमैन प्रत्याशी कमरुनिसा समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कमरुनिसा ने लोगों को जीत का मंत्र भी दिया। यूपी पुलिस ने भारी मात्रा में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। नजीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरदार आया सिंह कैंप के अंतर्गत कई साल से स्पा सेंटर की आड़ में देव व्यापार चल रहा था। वही कानपुर कमिश्नर बीपी जोगदंड के आदेश पर आज डीसीपी सेंटर प्रमोद कुमार और एडीसीपी अंकिता शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 13 लड़कियां सहित 7 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। हरदोई में अज्ञात लोगों ने भूसे वाले गूंगे में आग लगा दी, जिसके बाद खेत में लगे किसान में 2 भूसे के गूंगे जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। आगजनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर के गूगल मैन गोल्डन बाबा के नाम से जाने जाने वाले मोजनंद जी महाराज के द्वारा सोशल मीडिया पर कानपुर के करौली सरकार का एक वीडियो देखा गया, जिस वीडियो में उनके द्वारा लड्डू गोपाल पर एक आपत्तिजनक बात करते भगवान का अपमान किया गया। इस विषय में आज गूगल मैन गोल्डन बाबा और उनके साथ में धर्म से जुड़े लोग सनातनियों ने करौली महाराज संतोष भदौरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनकी सभद्र भाषा पर उनके खिलाफ मुकदमा कराने की बात कही। मऊ रानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली कस्बा रानीपुर में युवाओं के द्वारा देर शाम दंतेवाड़ा में शहीद हुए भारतीय सेना के वीर जवानों के लिए नगर में कैंडल मार्च निकालते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान युवाओं ने छत्तीसगढ़ सरकार से नक्सलियों के खिलाफ सख्त से सख्त ऑपरेशन चलाते हुए नक्सलियों को खत्म करने की मांग की है। साथ ही वीर शहीद सैनिकों के परिवार और परिजनों को सांत्वना दी। अजीतमल तहसील के एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह ने क्षेत्र किसानों को बुलाकर गौशालाओं में भूख से तड़प रही गायों का दर्द बयां करते हुए किसानों से उनकी इच्छा अनुसार भूसा दान देने की अपील की है, जिस पर अजीतमल क्षेत्र के लक्ष्मणपुर के किसान विजय सिंह ने राजेंद्र सिंगर एडीओ एजी को बुलाकर 16 क्विंटल भूसा दान किया है, जिस पर राजेंद्र सिंगर जी ने किसानों से अपील की है कि यदि प्रत्येक किसान इसी तरह से थोड़ा थोड़ा भूसा गौशाला में दान देगा तो गायों को अच्छे से पालन भी हो सकेगा और आवारा गौवंशों को भी गौशालाओं में आश्रय मिलेगा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत महोबा पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 4 अवैध तमंचे और 7 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सभी के विरुद्ध पूर्व में भी संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस ने सभी के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। मामला थाना अजनर क्षेत्र के ग्राम टीकरिया का है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि बाइक सवार के पुलिया से टकरा जाने से यह हादसा हुआ। युवक की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव का पंचनामा कराते हुए शुरू करती है। नौतवा थाना क्षेत्र के अस्पताल चौक के समीप ट्रक और रोडवेज में भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद भीषण टक्कर से दुकान और घरों में ट्रक और बस जाकर घुस गए। तेज रफ्तार दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। ट्रक चालक के साथ उसके सहयोगी समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। स्विमिंग के क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। गोरखपुर स्थित सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में स्विमिंग की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा संपन्न कराने लायक तैयार हुए इस तरणताल का लोकार्पण महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण के हाथों विधिवत पूजा पाठ के साथ हुआ। इसके बाद खिलाड़ियों ने स्विमिंग की विभिन्न तरह की स्पर्धाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करके सबका मन मोह लिया। गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। अपने परिचित युवक के साथ बैठी महिला को पहले कुछ युवकों ने पकड़ लिया, उसके बाद उसे बंधक बनाकर उसके साथ हैवानियत की। युवकों ने महिला के साथ बैठे युवक को मारा पीटा। महिला युवकों का पैर
पकड़कर गुहार लगाती रही, लेकिन उसको एक भी नहीं सुनी गई, बल्कि उसके साथ दरिंदगी करते रहे और उसका वीडियो बनाते रहे। इतना ही नहीं, आरोपी ने घटना का वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया है। घटना उरव इलाके की है, वीडियो में आरोपी युवक भी दिख रहे हैं। वही मामले की जानकारी होते ही पुलिस जांच में जुट गई है। पति ने अपने फेसबुक मित्र के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। पति की नौकरी और आजादी के लिए महिला ने युवक की हत्या कर दी। साथ ही पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद को अंदर से बंद कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद बांदा पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। नगर निकाय चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं, तो वहीं विभिन्न कमियों के चलते चुनाव आयोग ने अब तक सैकड़ों नामांकन पत्र खारिज भी कर दिए। ऐसे एक मामला अलीगढ़ महानगर के वार्ड नंबर 35 महफूज नगर से निकलकर सामने आया है, जहां से भाजपा के पार्षद प्रत्याशी प्रीति सविता के खिलाफ थाना देहली गेट में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। जबकि चुनाव आयोग के नियम और शर्तों के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा, अपना आपराधिक इतिहास का पूरा विवरण नामांकन पत्र दाखिल करते समय देना होता है। हाथरस के अलीगढ़ रोड स्थित राम दरबार मंदिर के निकट गोपाल मेटल्स इंडिया प्रतिष्ठान ने मध्य प्रदेश इंदौर के एक व्यापारी की डिमांड पर खेड़ापति मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए विशाल आकार का रूप देकर 800 किलो की हनुमान जी की गदा को अष्टधातु से तैयार कराया, जिसकी 22 फीट लंबाई और 7 फीट चौड़ाई है। गदा को धार्मिक वस्तु प्रतिष्ठान के मालिक प्रवीण वर्मा ने अपने कारीगरों द्वारा तैयार किया है। पौड़ी जिले के लैंसटाउन विधानसभा क्षेत्र के रीखणी खाल के जुई गांव में बाघ का शावक वन विभाग पिंजरे में कैद हो गया। हालांकि खतरा अभी भी यहां टला नहीं है। इस क्षेत्र में एक और बाघ की सक्रियता कायम है, जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी ने रीखणी खाल और धुमाकोट के बाघ प्रभावित क्षेत्रों में आज समस्त विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है और छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलाने का आदेश दिया। रीखणी खाल क्षेत्र में लंबे समय से बाघ की दहशत कायम है। लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। मामले में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आरपी रतोड़ी का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की पूरी तैयारी है। आम आदमी पार्टी दमखम के साथ चुनाव में जाएगी, साथ ही अच्छे कैंडिडेट चुनाव में उतारे जाएंगे जो उत्तराखंड की भावनाओं को समझते हों। डिस्ट्रिक्ट बार संघ हरिद्वार के चुनाव में कथित तौर पर एक वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवालों के बीच मतदान की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। दोपहर तक 338 अधिवक्ता मतदान कर चुके थे, जबकि 400 से ज्यादा अधिवक्ता मतदान के लिए रह गए थे। इसी बीच मतदान कक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक महिला अधिवक्ता किसी दूसरी महिला अधिवक्ता को वोट डालते हुए समझाते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रत्याशियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और चुनाव में धांधली के आरोप लगाए, जिसके बाद चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक लंबी विचार के बाद मतदान प्रक्रिया स्थगित करने के नतीजे पर पहुंचे। ड्रग्स विभाग की टीम ने मंगलौर क्षेत्र में स्थित दवाई की फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया, जिसमें दूसरी कंपनी का रैपर बदलकर अपनी कंपनी का रैपर लगाया जा रहा था। निरीक्षण करने पहुंची ड्रग्स विभाग अधिकारी अनीता भारती ने कंपनी का चल रहा प्रोडक्शन बंद कर दिया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में दवाइयां भी खुली पड़ी पाई हुई थी और साथ ही कई दवाओं के रैपर भी खुले में पड़े हुए थे। ड्रग्स विभाग के निरीक्षण के बाद दवाई फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। वहीं दवाइयों की फैक्ट्री में इतनी बड़ी लापरवाही उजागर होने के बाद दवाइयों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया कि सरकार द्वारा दिए गए फोन पूरी तरह से बंद है और नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 8 लंबित मांगों को लेकर रैली निकालकर आवेदन पत्र कलेक्ट्रेट को सौंपा है। ऊर्जा विकास निगम के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट को आवेदन दिया। गुजरात के मेहसाणा एलसीबी ने 19 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बाबलू थाने में साल 2006 में लूट की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने आज पकड़ लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को राजस्थान के जोधपुर और 1 को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सूडान के आंतरिक युद्धग्रस्त क्षेत्रों से हेमखेम लौटे गुजरातियों के गृह राज्य मंत्री हर्ष भाई सांघवी की उपस्थिति में अहमदाबाद में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सूडान से 56 गुजराती तड़के अहमदाबाद पहुंचे। गृह राज्य मंत्री हर्ष भाई सांघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सूडान से भारतीयों को घर लाने के लिए बचाव योजना और योजना बनाने वाला भारत पहला देश बना है। देहरादून की रानी पोखरी थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से कुछ दिन पहले चोरी की गई नई स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। रानी पोखरी थाना अध्यक्ष प्रदीप नेगी ने बताया कि 14 अप्रैल को स्थानीय निवासी नितिन भट्ट के घर के आंगन में खड़ी स्कूटी को चोर चोरी कर ले गए थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चोरों की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तिलक रोड पर आज सुबह अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर एक गोल एंटरप्राइजेस की दुकान में लाखों रुपए की चोरी कर ली। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह दुकान खोलने पहुंचे मालिक को जब शटर टूटा हुआ दिखाई दिया तो चोरी होने का खुलासा हुआ। घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौका मुआयना करने के लिए पहुंची। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा, जिसमें चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी को अपने कब्जे में ले लिया है। संभल के कस्बा चंदौसी में भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी प्रियंका शर्मा के पक्ष में चंदौसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री
मंत्री ने कस्बे के विकास को भरपूर निधि देने का भरोसा दिया। वहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा भी किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीएम प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री ने उन्हें यहां भेजा है। आप बीजेपी प्रत्याशी को वोट देंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और स्कीम में निःशुल्क मिलेंगे। संभल में महिला और पुरुष के साथ दबंगों ने दिल दिला देने वाली दंडगी की है। दोनों की पेड़ से रस्सी से बांध कर पिटाई की। यही नहीं, महिला को नाले में गिराकर पीटा गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मामला जोआइन थाना क्षेत्र के खरकवारी गांव का है। माफिया अति के बेटे अली अहमद का कथित पत्र वायरल हुआ है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हुआ। पत्र में सपा और बीजेपी के खिलाफ निकाय चुनाव में मतदान की अपील की गई है। पत्र में अतिक और अशरफ हत्याकांड के लिए बीजेपी और सपा को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बता दें कि नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली अहमद के नाम से पत्र जारी हुआ है। पत्र में माफिया अतिक और अशरफ की भी फोटो लगाई गई है। महाराजगंज में सीएम योगी शनिवार को जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराजगंज के नवनिर्मित मंडी स्थल के प्रांगण में मंच तैयार किया जा रहा है। नवनिर्मित मंडी से महाराजगंज की सभी सीटों पर भाजपा उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट मांगेंगे। शनिवार को करीब 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज पहुंचेंगे। बाराबंकी के नगर पंचायत जैतपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रुकैया बानो के समर्थन में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे जिलाध्यक्ष शशांक कुशमेश ने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया और चुनाव की रणनीति तैयार करने के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष शशांक कुमरेश ने जनपद में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत की। और अब खबर हरदोई से, जहां ट्रेन में युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि जीआरपी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक को दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल ऑपरेशन के लिए लाया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक वाराणसी का रहने वाला बताया जा रहा है। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की जनसभा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन व्यवस्था लगी हुई है। जिले के 5 नगरीय क्षेत्रों के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट किए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी होगी, साथ ही चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशी जीत के लिए ना जाने क्या क्या करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर गरौट में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला गरौट के जवाहर नगर वार्ड का है, जहां पर भाजपा पर प्रत्याशी को जनता ने घेर लिया। वार्ड वासियों का आरोप है कि महोदय पैसे बांटकर वोट खरीद रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो कि चर्चा का विषय भी बन चुका है। कासगंज में मामूली विवाद के बाद ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की घटना में एक 12 साल की बच्ची को गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में पटियाली सीएससी में जिला अस्पताल से लिए रेफर किया गया। घटना पटियाली कोतवाली क्षेत्र के बोहरनपुरवा गांव की बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर ग्राम प्रधान उसके साथियों पर एक्शन लिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दायर याचिका पर कार्रवाई के लिए जिस प्रकार की जल्दबाजी की जा रही है, उसके विरोध में हरदोई में राष्ट्र सेविका समिति के केंद्रीय अधिकारी कीर्ति सिंह के नेतृत्व में एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में कहा गया है कि जिस प्रकार की जल्दबाजी की जा रही है सुनवाई के लिए, वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। कहा कि ये नए विवादों को जन्म देगी और भारत की संस्कृति के लिए घातक सिद्ध हो। मथुरा एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एसओजी टीम और सदर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी बदमाश राजवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। गोकुल बैराज के समीप एसओजी और सदर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच में कारागार की साफ सफाई बंदियों को मुहैया कराई जा रही है। सुविधा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के सिंह के साथ जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाकशाला, जेल चिकित्सालय, कारागार के अन्य बैरकों का निरीक्षण कर कारागार की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए बंदियों को शासन द्वारा अनुमन्य सभी सुविधाएं मुहैया कराए जाने को कहा गया है। बहराइच के बेगमपुर में मुख्यमंत्री की प्रेरणा से सही पोषण देश रोशन थीम के तहत जिले के परिषदीय विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता परक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पोषण वाटिका स्थापना के प्रति आमजन और छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद द्वारा स्वश्रम से अपनी सरकारी आवास पर जैविक रूप से उगाए गए पौष्टिक टमाटर की सौगात कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छात्राओं को भेंट की गई। भेंट किए गए टमाटर का छात्राओं के लिए सूप तैयार किया जाएगा और शेष टमाटर को सब्जियों में इस्तेमाल किया जाएगा। आज लखीमपुर राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय की चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की तमाम विशेषताएं और योजनाओं के बारे में जनता को बताया। वहीं नगर निकाय चुनाव के नगर पालिका प्रत्याशियों और नगर पंचायत के प्रत्याशियों के लिए लोगों से अपील भी की कि भारी मतों से नगर निकाय चुनाव में उन्हें विजयी बनाए। मुख्यमंत्री ने मंच से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है और नगर निकाय का चुनाव नहीं, प्रतिष्ठा का ये चुनाव होता है। मुंबई में इंडियन सिनेमा का सबसे पॉपुलर अवार्ड शो 67वां फिल्मफेयर
ऑर्गेनाइज किया गया है। इस मौके पर बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के लगभग हर सेलिब्रिटी ने इस अवार्ड शो में शिरकत की। अवार्ड नाइट में सेलेब्स ने एक से बढ़कर एक लुक कैरी की। इस अवार्ड शो में जिन स्टार्स ने महफिल लूट ली उसमें आलिया भट्ट, राजकुमार राव, संजय लीला भंसाली और अनिल कपूर के नाम शामिल हैं। दरअसल राजकुमार राव ने बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसी फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली ने जीता। फेमस सिंगर अरिजीत सिंह को ब्रह्मास के गाने के सरिया के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। तो वही अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास को VFX के लिए भी अवार्ड मिला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन हाल ही में नेशनल कॉन्क्लेव ऑन मन की बात एक्ट 100 में शामिल हुई। इस दौरान एक्ट्रेस ने बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में महिलाओं के योगदान पर बयान दिया। रवीना टंडन ने कहा कि हम सैलरी की असमानता के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज टीवी इंडस्ट्री में महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो इस तरह का काम कर रही हैं। और मेरा मानना है कि हमारे टीवी इंडस्ट्री में महिलाओं का राज है और OTT प्लेटफॉर्म पर भी लीड रोल ज़्यादातर महिलाएँ ही कर रही हैं। साउथ स्टार बिलगम कोंडा साई श्रीवासी और नुसरत भरूचा की फिल्म छतपति रिलीज होने के लिए तैयार हो चुकी है। रिलीज से पहले इस फिल्म का लेटेस्ट सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में नुसरत और श्रीनिवास के ट्रिक केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही है। फिल्म छतपति के नए गाने बरेली के बाजार निशद भरूचा अपने लटके झटकों से श्रीनिवास को रिझाने की कोशिश कर रही है। सुरभि चौहान और नकाज अजीज ने इस गाने को आवाज दी है। तनिष बागची ने गाने को म्यूजिक और बोल दिए हैं। मयूरपुरी ने लिखे हैं। वही मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने फिल्म के इस नए गाने को कोरियोग्राफ किया। अब जिस पल ये गाना रिलीज हुआ है फैंस इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। लोगों को ये गाना बेहद पसंद आ रहा है। एक्ट्रेस मलिका अरोड़ा खान इंडस्ट्री की मोस्ट ग्लैमरस और फिट एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल की जाती हैं। करीब करीब 50 साल की उम्र में वो इंडस्ट्री की तमाम यंग एक्ट्रेस को मात देती हैं। एक्ट्रेस अपनी बोल्ड अदाओं के लिए अक्सर सुर्खियां बटोर लेती हैं। हालांकि इस बीच कई एक्ट्रेस को जमकर ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने उन्हीं ट्रोलर्स को जवाब दिया। सोशल मीडिया पर मलाइका अरोड़ा की टक वॉक के हरदम चर्चे रहते हैं। अब इन सब पर उन्होंने खुलकर बात की है। मलाइका अरोड़ा ने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने बट के बारे में बोलते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि अगर मेरे पास एक टाइट बट है जिस पर मैं 7 कोर्स मील परोस सकती हूँ तो मैं डक की तरह क्यों नहीं चल सकती। वास्तव में बतख, बिल्ली, चीता की तरह चल सकती हूँ। हाल ही में टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने बिजनेसमैन निखिल पटेल से शादी की है। उनकी शादी खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी से पहले से लेकर विदाई तक के कई फोटोज और वीडियोज ऑफिशियली पेज पर शेयर किए थे। शादी के बाद से ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। आए दिन में अपने पति के साथ वीडियो और कई फोटो शेयर करती रहती हैं। एक बार फिर उन्होंने निखिल पटेल के साथ अपना रोमांटिक वीडियो शेयर किया। दोनों का रोमांटिक वीडियो खूब लाइक्स बटोर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी मैरिड लाइफ और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को ट्रोल कर रहे हैं। लोगों ने रिएक्ट करते हुए लिखा है कि यार तुम लोगों ने शादी रियल में की है या बस यूं ही इंस्टा पर रील बनाने के लिए, कंटेंट मिलने के लिए की है। फटाफट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वाला इंडिया।